रेजिस्टेंस इन सीरीज। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, जिसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इन तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 माना गया है। जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब सर्किट में I करंट फ्लो करता है और ये करंट तीनों रेजिस्टर्स से पास होता है। हम देख सकते हैं सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल यानी वोल्टेज तीनों रेजिस्टर में डिवाइड होता है, जिन्हें हम V1, V2 और V3 मान लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल यानी V की वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस इक्वेशन का यूज करके हम V1, V2 और V3 फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों पोटेंशियल का सम करें, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, जिसमें I यानी करंट कॉमन है। इस इक्वेशन में हम V को IR से रिप्लेस करेंगे। और बोथ साइड I को कैंसल आउट करेंगे। फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलती है, जो कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया गया है, जिसमें तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इन तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 माना गया है। जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब सर्किट में I करंट फ्लो करता है। ये करंट तीनों रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम I1, I2 और I3 मान सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीनों रेजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, जबकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल यानी V की वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस इक्वेशन से हम अगर करंट की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें ये रिलेशन मिलता है, जिसका यूज करके हम I1, I2 और I3 फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम तीनों करंट की वैल्यू का सम करें, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, जिसमें पोटेंशियल V कॉमन है। अब हम इस इक्वेशन में I को V/R से रिप्लेस करेंगे और बोथ साइड V को कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलती है, जो कि पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है।